प्रदेश एवं जिला स्तर की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर गुरुवार को पटवारी एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पटवारियों ने मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपे हैं। संघ के कैलाश इटारे प्रभुलाल कोचले ने बताया कि राजस्व निरीक्षकों का पद समाप्त कर 2800 पे ग्रेड करने सहित वेतन विसंगति दूर करने के लिए पिछले 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। निर्धारित कार्यों के अलावा 56 विभागों के कार्यों का बोझ पटवारी पर लादा जा रहा है, इस कारण पटवारी आहूत है। हमारी मांग है कि राजस्व निरीक्षण के पद को समाप्त कर पटवारियों को समान कार्य समान वेतन की धारणा के तहत 2800 की पे ग्रेड से वेतनमान दिया जाए। पटवारियों ने जिला स्तर पर 6 समस्याएं मांगे गिनाते हुए कलेक्टर से इनके निराकरण की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन के द्वारा ज्ञापन दिया गया। आज हमने कलेक्टर महोदय को 2 ज्ञापन दिए हैं। एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम दिया है 2800 पे ग्रेड के संबंध में, और दूसरा ज्ञापन जिला स्तर का दिया गया है, जिसमें हमारे जिला स्तर की पटवारियों की समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि मध्य प्रदेश शासन ने संविलियन नीति के तहत अपने गृह जिले में पटवारियों के ट्रांसफ़र किए गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक रिन्यू नहीं किया गया है, जिसके कारण पटवारियों को मानसिक वेदना झेलना पड़ रही है। एक हमारे झरनिया के पटवारी साथी, उनकी बहन गर्भावस्था में थी और उचित साज संभाल के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई है, उसका पटवारियों और से। दूसरा, अभी झरनिया में हमारे 2 पटवारियों को बहुत ही मतलब जो है अकारण ही निलंबित किया गया है, उनकी बहाली के लिए हमने ज्ञापन दिया है। और तीसरा, ये CPTC परीक्षा जो पास कर चुके हैं उन लोगों को समय पर कामोदी नहीं लगाई जा रही है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हमने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और अपेक्षा की है कि इन समस्याओं का 3 दिन में निराकरण करें, और यदि निराकरण नहीं किया जाता है तो हमें आंदोलन बाध्य होना पड़ेगा। आपका नाम? जिला सिकारे, अध्यक्ष पटवारी संघ जिला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।